मार्गदर्शन करें सर, धीमंत राजा रामानंद सर प्लीज। धन्यवाद चौहान साहब। आज ये हम लोग थर्सडे को ये डेट फिक्स हो गई थी 8 फरवरी में कि टर्न बाय टर्न, तो आज ट्रेनिंग ऑपरेशन का ये रिपोर्टिंग का, तो वैसे सभी साथियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट दे दी है। और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से काम चाहिए, तो वो असल में 8 तारीख को जो हमारे जो रूटीन के जो वर्चुअल कैंप हो रहे थे, उससे फ्री होने के बाद स्ट्रेटजी बना ली गई है। जैसे इधर ये अलीगढ़ में, जो अलीगढ़ के आसपास के जिलों में भी ये लोग अपना प्रयास शुरू करने वाले हैं, तो कल एक मीटिंग या ये कहीं छोटा सा ट्रेनिंग कैंप है 4 घंटे का, तो उसमें लेकिन वो लोग बुलाए गए हैं जो थोड़े एनर्जेटिक हैं और इस काम को समझते हैं, जो हमारी वर्चुअल मीटिंग सुनते रहे हैं, तो उसमें कुछ नए भी हैं और ज्यादातर पुराने लोग हैं। और ये मिला हुआ जो एरिया है इधर आपका बुलंदशहर का खुर्जा है, अनूपशहर है, और इधर आपका कासगंज है, हाथरस का भी रखा है, लेकिन चटावले जी हाथरस आ जाते हैं तो उनसे मदद मिल जाएगी वैसे, नहीं तो हाथरस में और भी लोग प्रयासरत हैं इस काम के लिए। तो एटा है, तो ये क्या है कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जब तक जो हम लोग जो जो ओल्ड ट्रेनर्स हैं, या कहें कि जो 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 मैच्योर ट्रेनर हैं, तो वो लोग अगर लायबिलिटी ले लें कि भाई मुझे ये कैंप जो है मार्च तक 10 करने हैं, 5 करने हैं, 20 करने हैं, तो ज्यादा हम लोग आउटपुट दे पाएंगे, क्योंकि दूसरों के ऊपर डाले रखना या दूसरों के उसमें इन्वॉल्व हो जाने से पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम की बात नहीं हो पाएगी, जैसे कुछ साथियों ने कहा है। और जहां तक इलेक्शन से संबंधित बातें हैं, तो इलेक्शन वाले लोग इलेक्शन लड़ते रहे, ये तो हमारा वैचारिक कार्यक्रम है, जहाँ सिर्फ जो है कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने की बातें कोई भी कर सकता है, चाहे वो इलेक्शन लड़ने वाला हो या ना इलेक्शन लड़ने वाला हो, क्योंकि तो इसमें मूवमेंट के अच्छी जो हम कामयाबी देखना चाहते हैं, जो हमारा इतिहास है, जो हमारी एजुकेशन फिलोसफी है, जो हमारे जो और टॉपिक्स हैं, जो और सब्जेक्ट हैं, या जो जनरल एक जो थॉट है, क्यों मूवमेंट जो है स्पीड नहीं ले रहा, क्यों मूवमेंट गतिमान नहीं हो रहा है, तो इसको करने के लिए हम लोग जो चर्चा करने का प्रोग्राम लेकर के इसको करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम सभी को जो लोग इसमें अभी तक जो है इन्वॉल्व रहे हैं पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में, तो पर्सनली जब तक इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक अच्छा आउटपुट नहीं आएगा। तो मैंने अपनी तरफ से यही कहना था कि जैसे कल हम लोग अलीगढ़ में, ज्यादा लोग तो नहीं है, 25 लोगों को आमंत्रित किया है, सभी लोगों ने बड़ी इच्छा जाहिर की है, पर्सनली कांटेक्ट करके उन लोगों से बात करके और कल का दिन रखा है, तो ऐसे ही अगर हम लोग कर लेते हैं और फिर यही लोग जो है अपने निकल पड़े आसपास के जगहों पर, तो निश्चित तौर पर हम लोग आउटपुट दे पाएंगे। तो बाकी तो चूंकि अभी 8 तारीख तक तो हम अपने रूटीन का वर्चुअल मीट में रहते थे, तो कुछ लोगों को अपना प्रेजेंटेशन देना होता था, कुछ लोग प्रेजेंटेशन सुनने के लिए आते थे, तो वो अब ये 3 दिन हम लोगों को मिले हैं, आज 11 तारीख है, तो अभी हम कोई लेट नहीं है, लेकिन सब एंथुजियास्टिक है, और मैं समझता हूँ जिन साथियों ने अपनी रिपोर्ट दी है सहकारियों ने, तो उससे लगता है कि हम लोग जरूर अपना जो लक्ष्य है उसे हासिल कर लेंगे। तो यही बात मैं रखते हुए और दूसरे सहकारियों से भी उम्मीद रखते हुए, अपील करते हुए, कि हम लोग जब तक पर्सनली इस पर प्रतिज्ञा नहीं करेंगे, खुद जो है मतलब इस काम को करने के लिए सिंसियर नहीं होंगे और सेंसिटिव नहीं होंगे, तो तब तक जो है समाज के लोग तो खड़े हो जाएंगे, लेकिन हमको खुद जो है जिनको करना है उनको अपना कमर कस के निकलना चाहिए, निकलना होगा। तो
ये मैं अपनी तरफ से कहते हुए धन्यवाद, अपनी बात रखने के लिए मुझे अवसर मिला, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद सर। और कोई साथी आगे आकर अपने अनुभव या कोई विचार इसमें देना चाहे तो जरूर दे। मैं ओपन अपील कर रहा हूँ आप सभी सहकारियों को, खास करके हमारी जो बहना है इसमें हमारे साथ बहुत दिनों से इस ट्रेनिंग ऑपरेशन में जुड़ी हुई है, प्रतिभा जी भी इसमें है, डॉक्टर तीरथ बालाजी भी है, वो भी अपना सुझाव दे, ऐसा मेरा उनसे बहुत नम्र आग्रह है। डॉक्टर तीरथ बाला प्लीज। हाँ जी सर, थैंक यू। मैं ये बताना था कि अभी 7 फेब को मातर माई जी का बर्थडे था, जन्मदिन था, माता रमाबाई अंबेडकर। 7 फेब को, फरवरी का हुआ, बरोबर। हाँ सॉरी, हाँ 7 फेब को माता रमा जी अंबेडकर जी का जन्मदिन था, तो वो हमने वर्चुअल मीटिंग में सेलिब्रेट किया था। तो उसके लिए जैसे हमने स्वित्री बाई फुले जी का करा था, तो वो मेरा सजेशन था कि एक बार फिर हम अगर उनको डेडिकेटेड एक ऐसी मीटिंग लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हम उनका स्ट्रगल देखते हैं तो वो बाबा साहब से कम नहीं है। और उनका मैसेज मैं चाहूंगी कि हम अपने सहकारियों को, खैर पता ही है, बट हम अपने एक एफर्ट से उनके जो उनका जो लाइफ का स्ट्रगल रहा है उसको हम दूर दूर तक स्प्रेड करें। तो हमारा जो ये मीटिंग थी, वर्चुअल मीटिंग थी, ये ग्लोबल अम्बेडकर की तरफ से ऑर्गेनाइज थी, तो उसमें ऑल ओवर इंडिया और बाहर की कंट्री में से भी बहुत सारे लाइक एनलाइटेंड लेडीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो उसी तहत मुझे भी माता रमा जी का जो सारा जीवन है उसको पढ़ने का समय मिला, मौका मिला। तो ये मेरी मतलब मेरी इच्छा है कि हम उनको भी डिस्कस करें, जैसे हमने सावित्रीबाई फुले जी को डिस्कस किया था। तो उनका जन्मदिन था 7 फेब को, माता रमा जी अम्बेडकर जी का। तो बस मैंने इतना ही कहना था कि उनके लिए उसी तरह पूरा नेशन वाइड जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे करें। थैंक यू सर। वेरी गुड, थैंक यू मैडम। और कोई प्रतिभा आनंद जी, आप कुछ बात करना चाहोगी? प्रतिभा आनंद जी प्लीज। प्रतिभा आनंद जी प्लीज। सभी सहकारियों को मेरा सादर जय भीम सर। सर मैं अभी इतना ही कह पा रही थी कि थोड़ा सा ऑफिस की वजह से अभी थोड़ा सा ऑडिट में ड्यूटी लगी हुई थी, तो 10-15 दिन में अभी मैं पीछे क्लास भी ज्वाइन नहीं कर पाई, लेकिन अभी 15 दिन के बाद में थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे। बैलेंस शीट का एक्चुअली काम था ऑफिस में, तो उसके बाद में मैं लेडीज जो अपना यही मेरठ में एक ग्रुप बनाने की सोच रही हूँ, और काफी मतलब उनसे मेरी बात भी हुई है, तो मैं 10-15 दिन के बाद में जैसे ही फ्री होती हूँ तो सर मैं डेफिनेटली मतलब जो अपना इसमें पूरा सहयोग दूंगी अभी। तो 10-15 दिन के बाद में ओके, वेरी नाइस मैडम, थैंक यू। और कोई सहकारी अपनी बात रखना चाहे तो जरूर रखें, आप सभी से आग्रह है। फिर उसके बाद हम महेंद्र जी कुछ कहना चाहेंगे। सर मैं बोलिए सर। सर मैं श्याम सुंदर। बोलिए सर, बोलिए, आपको तो बोलना ही है सर, बोलिए। मैं सर ये कहना चाह रहा था, अभी हमारे हमारे आदरणीय राजा राम जी ने एक अपनी इच्छा जाहिर की है कि ये सीनियर जो ट्रेनर है वो बाहर निकलेंगे तो कामयाब जल्दी होगा, तो हम लोगों की तरफ से ना कहाँ कहा गया है, किसके लिए मना किया है हम लोगों ने तो इतनी इच्छा जाहिर की है, आपके लिए अपना को ये भी समर्पित कर दिया है कि आप हमें सिर्फ अपना लगा के कैंप बता दो कि भाई यहाँ पर हमने लगा दिया है, आप यहाँ आके ट्रेनिंग करा दो, हम करा देंगे। बिल्कुल फ्री आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप बस जगह बताएं और हमें वो बना के दे दें कि भाई यहाँ पे हमने कैंप की डेट दे दी है, वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आप यहाँ आ जाइए। तो आप एक दिन में हमारे चारों आदमियों को अगर लगा देंगे तो चार आदमी चार कैंप कर सकते हैं, लेकिन एक बार कहें, हम लोग बड़ा इच्छुक है इस बात के लिए कि हमें अगर दूसरी जगह भी मौका मिलेगा तो हम वहां भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल हम आगरा में तो आगरा कमिश्नर ही देखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हमें कहीं भी बुलाएंगे हम आराम से बड़ी स्वेच्छा से वहां पे आएंगे। इवन हम तो पंजाब तक के लिए कहते हैं, पंजाब दिल्ली हरियाणा जहां आप कहेंगे हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।
वेरी नाइस थैंक यू श्याम सुंदर जी। महेंद्र जी कुछ बात रखेंगे? महेंद्र स्वराज जी प्लीज। यस सर, जय भीम सर करियो। अगर कोई बुलाएगा नहीं तब क्या किया जाएगा? तो अरे तो बुलाना तो आपको है ना, आपने ही तो शिकायत की है कि करेंगे तो होगा। शिकायत नहीं है भाई मेरी, बुलाएंगे तब आप आइएगा। आपको ये कहा है मैंने कि भाई शिकायत की क्या बात है, तैयार हो गया है ना, हमको करना चाहिए। यस यस, फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरह से हमें एफर्ट्स लेना है। सरकारियों, मैं मेरा खुद का अनुभव आपके सामने रखूंगा तो आपको थोड़ी आइडिया मिलेगी। हमने अभी दिगंबर सर जी ने बताया कि हमने बीड में एक 31 जनवरी को हमने एक टीटीसी ट्रेनर्स ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया था। उसमें लगभग 5 अलग अलग जाति के लोग थे, 5 जातियां वहां इकट्ठी हुई थी और उसमें से पूरा एक दिन का कैंप रहा, बहुत ही सक्सेसफुल रहा। उसमें से दो लोगों ने, एक उस जो ऑडियंस थे उसमें से एक हमारे जो पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने खुद आके उसके दूसरे दिन अपने खुद के तालुक में ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करने का रिक्वेस्ट किया और वो हमने कंफर्म किया। दूसरे दो जन थे, उन्होंने भी अपने अपने तालुका प्लेस में केडर कैंप ऑर्गेनाइज करने की अभी तैयारी चालू की है। जल्दी ही 2-3 दिन में उनके भी अंबाजोगाई, एक तालुका है देगलूर जो नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में है, ये अंबाजोगाई बीड में ही है और दूसरा एक माजलगांव जहां दिगंबर सर जी खुद रहते हैं वहां, एक ऐसे दो जो भी डेट्स है वो जल्दी 2-3 दिन में फिक्स हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये था कि हमें ट्रेनर्स में या जो लोग हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उनमें वो इफिशियंसी हमने अंदर क्रिएट करनी है जो उन्हें मोटिवेट करे। तो एक से लेके 2-3 तक ऐसा ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस चालू हो जाएगा। वो प्रक्रिया आपके खुद के अंदर है, चालू करना या नहीं करना है। अगर एक बार आप चालू करेंगे तो निरंतर चालू रहेगी और वो रहती ही जाएगी और ये मोटिवेशनल प्रोसेस है। मीन्स मोटिवेशन फ्रॉम ईच अदर, मैं ऐसा बताना चाहूंगा। और जब हमें कोई पूछता है कि दूसरे तरफ हम लगाए क्या, तो हमें अलग से मोटिवेशन मिलता है और वो आपसे मोटिवेशन लेके आगे चलते हैं। तो ये मोटिवेशन प्रोसेस जो है फ्रॉम ईच अदर, बाय ईच अदर और फॉर ईच अदर, फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट विल बी कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन, निरंतर रहते ही जाएगी और ये हमारे हाथ में है। और उसके लिए एक मींस डेविड एफर्ट्स और ग्रीड, ये दोनों हमारे अंदर आना चाहिए। हमें पहले लगता था कि एक निराशा फैली हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप समाज को कुछ अच्छा देते हो तो समाज उसे स्वीकार ही करेगा और उसे दूसरों को देने की कोशिश करेगा। तो इस प्रक्रिया को हमें समाज में ज्यादा तौर पे लाने की और लेके जाने की कोशिश करनी है। और मुझे ऐसा लगता है पहले डिस्ट्रिक्ट, बाद में तालुका प्लेस और बाद में गांव है, तालुका के अलग अलग छोटे छोटे जो 4-5 गांवों के पास है ज्योग्राफिकली, वहां वो सेंटर होना चाहिए। ऐसे जाके हम गांव तक पहुंचना चाहिए और तब जाके हम लेमैन के पास पहुंचे जाएंगे या पहुंचने की कामयाब कोशिश करेंगे। तो हमें जहां भी कहीं है ऑफलाइन ट्रेनिंग कैंप के लिए कोशिश करनी चाहिए और कहां से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू जी भीम। दीमन तमर सिंह जी, मेरा एक सुझाव है। बोलिए सर। ट्रेनिंग के बारे में, जैसे हम लोग पिछले 10 महीने से करीब ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं और काफी लोग इसमें बहुत कुछ सीखे हैं, जानकारी उन्हें उपलब्ध हुई है। मैं ये समझता हूँ कि जैसे हम लोग ये पूछते हैं कि आप कहाँ ले रहे हैं और कहाँ आपका कैसे ये है, उसकी बजाय अगर हम लोग एक प्रोग्राम बनाए, जैसे कि अभी धीमंत हमारे महेंद्र जी थोड़ा बोल रहे थे कि हमें एक प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए, बनाना चाहिए कि जैसे अभी स्टेट लेवल पे हमें एक ऑर्गेनाइज करना है, या तो वहां पर जो पर्टिकुलर कन्वेनर है उनको ये जवाबदारी दी जाए कि आप वहां ऑर्गेनाइज करिए और उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट लेवल में ऑर्गेनाइज करें और इसका एक पूरे देश में एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाए कि हमें इतने ट्रेनिंग प्रोग्राम वहां पर लेने हैं और उसकी जवाबदारी जो पर्टिकुलर जो हमारे ट्रेनर हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली है
उनको दी जाए, तो ये ज्यादा प्रभावी कार्यक्रम हम लोगों का पूरे देश में होगा, बजाय इसके कि हम लोग मीटिंग में पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया है, आप कहाँ ले रहे हैं, आप कहाँ कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट दीजिए। तो ऐसा ये इलेक्शन विलेक्शन जो चल रहा है वो पूरे देश में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, उससे हमारा क्या मतलब है? हमें तो लोगों को सिखाना है और सीखना है, हमें ट्रेनिंग देनी है। हाँ, ये तो इलेक्शन अब यूपी में भी चलेगा इलेक्शन, 2 महीना 3 महीना, तो हमारा काम थोड़ी रुक जाएगा। हमें तो अपना काम करना है, हमें तो समाज को तैयार करना है। इसके लिए हमें एक प्रोग्राम पीबीएसपी के माध्यम से, अम्बेडकर सर आप भी इस पर ध्यान दें, एक प्रोग्राम बनाए कि महाराष्ट्र में इतनी जगह पर ये प्लेस है और इसमें अमुक आदमी को जवाबदारी लेनी है, वहां के लोगों को इकट्ठा करना है और वहां पर हमारा ये ट्रेनर आके ट्रेनिंग देगा। तो इस तरीके से हम लोग पूरे देश में अच्छी तरह से ट्रेनिंग के माध्यम से समाज में पहुंचेंगे और जो लास्ट आदमी है हमारा आम आदमी उस तक पहुंचेंगे, तो ये ज्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि आप गुजरात में क्या कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं, आप यूपी में क्या कर रहे हैं, आप कहाँ प्रोग्राम ले रहे हैं, कैसे करेंगे, क्या अरेंजमेंट करेंगे। हमारा प्रोग्राम जो है आपके माध्यम से पूरे देश में फैलना चाहिए, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या प्रदेश लेवल पे हो या जैसे भी तालुका लेवल तक हमें पहुंचना है। तो इस तरीके का एक प्रोग्राम अगर बन जाता है अमर सिंह जी, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग ज्यादा प्रभावी तरीके से ट्रेनिंग दे पाएंगे, समाज में पहुंच पाएंगे और 1-2-4-5 महीने में ही हमारा जो पूरे देश में ये आंदोलन फैल जाएगा। धन्यवाद, बहुत बढ़िया सुझाव है आपका। ये 8 तारीख के बाद अपनी पहली ही मीटिंग है, इस वजह से ये सारी बातें आपके ध्यान में आ गई, लेकिन इससे पता ही चलता है कि हमारे अपने सभी लोग कितने उत्सुक है स्टेट कन्वीनियर के माध्यम से यह सारी प्रक्रिया पूरा करके किस तरह से जो शेड्यूल है, प्रोग्राम है, वो बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा और उसके लिए सारे जितने भी स्टेट कन्वीनियर्स है और सारे वरिष्ठ सहकारी है उनके माध्यम से यह प्रोग्राम जरूर सुचारू रूप से आगे किया जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और आपका ये जो सुझाव है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, थैंक यू। और कोई सहकारी आगे आकर अपनी बात कहना चाहे, कोई सहकारी और भी आगे, फिर हम चौहान साहब। यस सर, वेलकम सर। मैं रामकिशन जी। यस वेलकम सर। वो मेरा थोड़ा ये रिक्वेस्ट है, हम लोग जो अनुभव कर रहे हैं तो आगरा में हम लोग करीब अपना एक जगह पर ही अपने रेजिडेंस पर करीब 3-4 प्रोग्राम लगा चुके हैं और 3 प्रोग्राम मैनपुरी और फिरोजाबाद और मथुरा में लगा चुके हैं। तो एक चीज तो हम बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन हमारा जो सामुदायिक सोसाइटी अलग अलग विभिन्न सोसाइटी में भी हमारी पैठ बढ़नी चाहिए फोर साइड दृष्टिकोण से, उसके लिए कुछ अपनी स्ट्रेटेजी को और विचार लगाना पड़ेगा। ये मेरा अनुरोध पीआर सर से भी है, क्योंकि इस समस्या को वो ही ज्यादा सुलझा सकते हैं, हम उनसे ज्यादा नहीं इतना कोई एक्सपर्ट है, है ना, एक बात। दूसरा, हमारे अनिल पी डोंगरे सर के जो लेक्चर एक अब दो हुए हैं उनमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि जब हम जैसे कास्ट वाले टॉपिक को एलिबरेट करते हैं तो कास्ट जाति भेद को नष्ट करने वाली बात पर बहुत जोर नहीं दिया जाए। मेरा अपना पर्सनल विचार है कि जैसे दुधारी तलवार, जैसे सर कहते हैं कि दुधारी तलवार है, इसको हमें इस तरह यूज करना है कि, तो वो कहते हैं सर कहते हैं कि कास्ट व्यवस्था को थोड़ा शिथिल भी कर पाएंगे तो हमारा पर्पज हल हो सकता है। और तीसरा, मैं एक बात ये कह रहा था, ये मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया था, आपस में नमो बोधाय और थोड़ा धार्मिक रुझान को थोड़ा कम करेंगे तो हमारा और बढ़ेगा मामला और रुकावटें कम आएंगी। चौथा जो मैंने महसूस किया है, हम लोग निमेश साहब में, रामकिशन श्याम कुमार जी, तीनों चारों नरसिंह जी, हम लोग तीनों चारों लगते हैं, तो जो चीज सामने आता है कि पीआर सर मेरे ख्याल में मेरी बात सुनने होंगे कि हम सीधे डायरेक्ट सिलेबस पे आ जाते हैं तो लोगों को ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे हमको सर ने हमको किया है ब्रेन स्टोर्म किया है पहले, ऐसे ही टेक्निक हमको भी 10-15 मिनट स्टार्टिंग में करनी चाहिए। ये मैं शॉर्ट में 3-4 बात। धन्यवाद।
अभी यह सारी जो बातें आपने बताई है बहुत ही बारकाई से, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ सहकारी है। हमारे हर एक ट्रेनर्स को जो प्रतिभा होती है और लोगों से किस तरह से कनेक्ट होना चाहिए, यह हर एक जो ट्रेनर है वो अपने आप में इस सारी बातों को संज्ञान में जरूर आगे लेंगे। ये बातें हम आप सभी ध्यान में रखेंगे सर, इतना मैं कह सकता हूँ। अगर कोई सहकारी अपना विचार रख रहे हैं तो बताइए, या फिर हमें सर जी से गाइडलाइन लेने के लिए मैं अपील करूंगा। कोई बोलना चाहता है? हाँ जी सर। यस बोलिए सर, प्लीज बोलिए। जय भीम सहकारी, मैं रमेश सर बोल रहा हूँ। जय भीम साथियों, पहले भारद्वाज जी को बोलेंगे। हेलो, हाँ बोलिए, दो मिनट साहब, एक मिनट रुको, भारद्वाज जी बोलेंगे पहले। भारद्वाज जी। हाँ जी भारद्वाज सर, मैंने पहले भी ये मुद्दा उठाया था लेकिन मुझे रोक दिया गया था। जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए तो ठीक है, लोगों को अवेयर करना कि हमारे समाज के जो विद्वान हुए हैं, क्रांतिकारी नेता हुए हैं जिन्होंने समाज में इतना सुधार किया है, अपने लोगों को ऊपर उठाने के बीड़ा उठाया, उसमें काफी हद तक कामयाब रहे, उनके बारे में तो लोगों को बताना ठीक है। क्योंकि यहाँ मैं द्वारका दिल्ली में रहता हूँ, मैंने भी आसपास काफी लोगों से बात की है, कम से कम मैंने 15-20 लोगों को इस मीटिंग के साथ जोड़ने की कोशिश भी की है, उनको मैसेज भी भेजता रहा हूँ, फोन भी करता रहा हूँ, और जब पार्क में सुबह मिलते हैं तब भी रिक्वेस्ट करता हूँ आप आइए मीटने में जुड़िए, मैंने आपको मैसेज मीटिंग का फॉरवर्ड कर दिया, पासवर्ड वगैरह सब कुछ उसमें दिया हुआ है। लेकिन वो अल्टीमेटली क्वेश्चन रेज करते हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस करने से क्या होगा, हमें तो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे समाज के लोगों के साथ जो अन्याय होता, अत्याचार होता है, जब तक हमारी पॉलिटिकल बैकिंग नहीं कोई होगी तो हमें कोई सपोर्ट नहीं करता। और कोई पार्टी हमारे से, कांग्रेस को भी देख लिया, कांग्रेस भी इतना नहीं करती, कम से कम BSP के लोगों को साथ मिलाया जाए, और ये एजुकेशनल के साथ साथ एक पॉलिटिकल सपोर्ट भी उनको हम प्रॉमिस करें कि हम नेक्स्ट जब भी इलेक्शन होंगे हम आपको सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आपके साथ खड़े होंगे। जब तक आप इस मूवमेंट को इस लाइन पे थोड़ा सा कोरिलेट नहीं करेंगे, उनके साथ जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमारे समाज के बहुत सारे जो साथी हैं, जो समाज के दो अपने भाईचारे में मिलते जुलते हैं, वो इसके साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं होते। वो मैंने अपने द्वारका में तो कम से कम देखा है। जी मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी आप सीनियर लोग हो, क्योंकि मैं तो सिर्फ 2 महीने से जुड़ा हूँ, आप काफी 1.5-2 साल से जुड़े हुए, आप ज्यादा बता सकते हो, लेकिन व्हाट आई फील दैट आई हैज मेड ए सजेशन टू यू, इट इज फॉर यू टू कंसिडर द वे यू थिंक डीम फिट। थैंक यू सर, आपके सवाल हमने सुन लिया है। हम पहले हमारे वरिष्ठ सहकारी धीमन रमेश चंद्रा जी की राय सुन रहे। धीमन रमेश चंद्रा जी प्लीज। धीमन रमेश चंद्रा सर जी प्लीज। जय भीम सहकारियों। जय भीम। जो हम लोगों ने अभी यूपी के बारे में बात कर रहा था, और इसमें यह था कि जो हम लोगों के जो एक्सपीरियंस है उसमें नाइट हमारे कमिश्नर जो हुआ करते थे, नाइट कैंप लगाया करते थे, तो मेरा इसमें एक प्लान था कि हम अपनी जो PPT आई है जिसमें हम उचित ग्रुप को जैसे मूवी दिखाते थे, और एक प्रोजेक्ट कैमरा के आधार पर जो भी अभी आज सोलर बैटरी आ गई उसको दिखा सकते हैं, एक चलचित्र मूवीज होती है और वो इम्पैक्ट डालती है, चाहे वो बाबा साहब की हो अभी टीवी पे आ रही है या हमारा अपना हो, तो इसको देखिए कि मीडिया का जो रोल है हमारे भीतर, जो भी कई चीज आई थी, एक तो हम नॉन पॉलिटिकल नॉन रिलीजियस कह रहे हैं, तो उसमें ठीक है, हमारा कहना है कि सभी यदि हम ग्रुप एक होते हैं ये बात लाई जाए, दूसरे उसमें ये पॉइंट रखा जाए कि अल्टीमेटली हमारा जो वेलफेयर का स्टेट है, मोटो है, उसको पूरा करने के लिए हम जब अपनी नींव को पक्का कर लेंगे, ऐसा हाल ना हो जो जो पंडित भारद्वाज साहब ने कहा था कि लोग कह रहे भी हमको पॉलिटिकल का आधार लेना होगा, यस, लेकिन हम उसके लिए पक्के तो बन जाए, हम यदि रेत की नींव करेंगे तो उसको ऐसे समझाना होगा, ये उसका अपना टैलेंट लगेगा, जो भी थोराट सर ने भी कहा कि हाँ हमको अपना सारा ब्रेन लगाना है कि इसको हमको कैसे उनमें उनको समझाना है,
बहुत सारे क्वेश्चन उठे हैं, हमारे साथी भी कहते हैं कि भाई पॉलिटिकल वगैरह क्या होगा। यस होगा, वी विल हैव दैट आइडिया, लेकिन हम अपने लोगों को इतना तो करें कि हमारे वोट ना बिके। वन पर्सन वन वोट जो हम बात कर रहे हैं वो तो डिस्टर्ब हो जा रही है, और वो हमारा जो है वो कॉपरेशन है तो उस तरफ खींच के लेकर है। और जब कॉपरेशन है तो पहले शिक्षा जरूरी है, क्योंकि अनपढ़ आदमी को आप समझाते रहिए उतना नहीं होगा जितना कि जो है वो चार बार माथा पट्टी करनी पड़ेगी। तो वो चीज वहाँ फील्ड में उनको बुरा ना लगे, और ये लगे कि हाँ भाई आप पूछते हैं कि हाँ भाई तुम्हारा क्या कहना है, तुम किसको वोट दे रहे हो। तो हम यहाँ पे यही समझाते हैं कि नहीं नहीं हमारे पास कल एक बाम सेब के आदमी आए, दो घंटे हमको चटे, हमने अल्टीमेटली उनका कहा क्या उद्देश्य है आप बामन मेहसराम साहब का कह रहे हैं क्या कह रहे हैं। हमने कहा हम आपको बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इस जो वेलफेयर के काम को कैसे पूरा करेंगे। तो आदमी की वो जो फर्क है परखी है वो दोनों बीच में वो ग्रुप को लेकर चलनी पड़ेगी, कैसा ग्रुप है कहाँ पर है। कास्ट वाला भी फैक्टर था, हमने क्लास वाला जोड़ा, अब हम क्लास में जोड़ रहे हैं, हमारे साथ बहुत लोग जुड़ रहे हैं फोर्थ क्लास, बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं फोर्थ क्लास। अब जो क्लास वन है वो उतना टाइम नहीं दे पा रहा, वो अपने घर पे तक ही टाइम दे पा रहा, लेकिन जब फील्ड में जाने की बात आ रही है दे आर नॉट रेडी। तो ये एक बड़ी चीज है कि हम दोनों जो यहाँ दूसरे लोगों इंजीनियर्स हैं वो अपने अपने पांच पांच जोड़ेंगे, लेकिन नीचे जो फिल्टर करने के लिए उसको तो जाना पड़ेगा। हमने झांसी की भी बात करी, बांदा की करी, देवरिया की करी, उधर की करी, दो चार चार लोग हैं, उन्होंने कहा सब आप सवार है आई विल गो विद, देहरादून में तो मेरे पास 25-30 लोग है, उन्होंने कहा हम ONGC में कराएंगे सब, आप देखिए एक बार आप आ जाइए। तो हम उस अपने जो है सारे पैराफिनियल अपना रिलेशन संबंध यार दोस्ताना उसको एक बार कर देंगे तो आपको हो जाएगा कि हाँ सर जैसे हम लोग कहते हैं। कई बार लोगों ने कहा हाँ पे पीआर साहब बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, जब भी हम बात कर रहे हैं बहुत दिन से काम कर रहे हैं, बिकॉज ही इज डेडिकेटेड, इसलिए उनका है। हम जब डेडिकेशन हो जाएगा तो हमारा भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू सर। नाउ आई से रिक्वेस्ट धीमन पीआर सर हमें इस पर गाइड करें, ऐसे में धीमन पीआर सर जिसे रिक्वेस्ट करता हूं। थैंक यू सर, धीमन पीआर सर प्लीज। सभी समाज परिवर्तन आंदोलन के धीमन सहकारियों, आज का दिन मूवमेंट का एक टर्निंग पॉइंट है कि आज हमने जिसे साल भर के मेहनत के बाद बहुत लास्ट में जिसे हमने संजोया समारा और ए विंग बहुत लास्ट के पिछले एक महीने में बनाई, और उसके लिए हमने एक महीना पूरा आप लोगों को ट्रेनिंग का दिया कि जो भी पहले तो हम ट्रेनिंग दे रहे थे अलग अलग तरीके से, और लेकिन ऑर्गेनाइज के आपको ट्रेनिंग होगी, ट्रेनर बनकर समाज के बीच में जाना है, इसके लिए पूरे एक महीने का ट्रेनिंग कैंप हमारे विभिन्न ट्रेनर्स के द्वारा आप लोगों को ट्रेनिंग दी। तो उनको मालूम हो सकता है कि ट्रेनर्स किस प्रकार के होते हैं, किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं। पांचों सब्जेक्ट को एलोबोरेट किया गया और अपेक्षा व्यक्त की कि जिन्होंने भी ट्रेनिंग यहाँ पे ली है उन्होंने कम से कम एक दिन का ट्रेनिंग कैंप लेने का डेलिबरेट एफर्ट्स जानबूझकर प्रयास करना चाहिए। हमारे दूसरे ऑर्गेनाइजर्स तो ये प्रयास करेंगे ही, जो संगठनात्मक ढांचे में है सीनियर ट्रेनर्स हैं जिन्होंने अपने आप को मूवमेंट में कमिट किया है वो तो काम करेंगे ही। उदाहरण के लिए मैं राजाराम जी का आनंद जी का नाम लूं, कमिटेड हैं वो काम करेंगे। हमारे अमर सिंह जी हैं काम करेंगे ही, अमर सिंह जी या एडवोकेट सुरेश गमरे हुए या श्याम सुंदर जी, उधर पंजाब से सुवन सिंह या डॉक्टर कश्मीर चंद का नाम ले, इन्होंने अपने आप में लाइफ में कमिटमेंट किया है इसलिए वो तन मन ढंग से काम को जुटे हुए हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं। इन लोगों का जो जहां जिस प्रकार से चाहे उपयोग कर सकता है, स्टेट कन्वीनर से पूछे, पंजाब का आदमी महाराष्ट्र में आ सकता, महाराष्ट्र आदमी गुजरात जा सकता, गुजरात का आदमी छत्तीसगढ़ जा सकता, एक दूसरे के स्टेट में हमारे ये ट्रेनर एक दूसरे के लिए उपयोगी बनेंगे। ये प्राइमरी फेज है,
क्योंकि हर स्टेट में बेहतरीन ट्रेनर अभी डेवलप नहीं हो पाए। हमने आप लोगों को ट्रेनिंग दी, हम आपको बेहतरीन ट्रेनर के रूप में देखना चाहते हैं। जितना सिखाया है उतना ही सिखाने की बात करते हैं। और इस प्रकार से कैसे सिखाना है, सब्जेक्ट को किस प्रकार से आप लोगों को हैंडल करना है, ये आपका कौशल होगा कि आप प्रेजेंटेशन किस प्रकार से करते हैं। अभी एक बात आई कि रामकिशन जी ने कि कास्ट के बारे में पहले से कटुता ना बात की जाए, बराबर है, फीलिंग्स है। आप एकदम हथौड़ा मारोगे, समझाते हुए पहले उनको इंट्रोस्पेक्शन करना तो सिखाइए, फिर कास्ट को धीरे धीरे समझाइए, माइल्ड रूप में समझाइए, ताकि वो कम से कम इस चीज को मालूम कर ले कि हमारी अनथिंकिंगनेस ही तो हमारी कास्ट है, एनक्लोजनेस ही तो हमारी कास्ट है। जब इतनी समझ पैदा हो जाएगी तो वो एनक्लोजनेस पर वो व्यक्ति खुद अंदर चोट करेगा कि मेरी एनक्लोजनेस कहीं तो भी खुले, मैं ओपन माइंडेड हूं, मैं विचार करने में कहीं कम पड़ रहा हूं, ये बात महसूस हो तो मेरे को विचार करने की कौशल को बढ़ाना होगा। तो ये हमारे ट्रेनर्स के कौशल के ऊपर डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट को कितना बेहतरीन तरीके से हैंडल करें। ऑडियंस के द्वारा आएंगे क्वेश्चन, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, ऑकवर्ड से ऑकवर्ड क्वेश्चन आएंगे। जैसे आर डी भारद्वाज साहब ने बोला कि मेरे से तो बस पॉलिटिकल क्वेश्चन ही करें, उसका वो जवाब नहीं दे पा रहे कि शायद वो उतने कन्विंस पूरे पांचों दिन के सब्जेक्ट को उतनी गहराई से ना समझे हों, क्योंकि हमने चाकोरी नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस कैसे मानी। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइनमेंट चाहिए, हमें किसी के पार्टबल की आवश्यकता नहीं है। नॉन पॉलिटिकल फोर्स में इतनी क्षमता है, आज पी आर अम्बेडकर है, मुझे किस पॉलिटिकल फोर्स की जरूरत है अपने आप की रक्षा करने के लिए, अपना समर्थन जुटाने के लिए। हमारे जो ट्रेनर्स हैं जहां वहां के ट्रेनिंग ले रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, उनको वहां कहां पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत है। वोटर का जहां समाज है, वो हमारा वोटर हमसे इतना कन्विंस हो जाएगा कि उसे कहना नहीं पड़ेगा कि उसका सही वोट कहां पड़े, उसका योग जगह योग वोट पड़ेगा। और अम्बेडकराइट फोर्सेस को, खासतौर से पॉलिटिकल फोर्सेस को डरने घबरने की जरूरत नहीं है, अगर वो सही और नियत से खुले साहु अम्बेडकर मिशन को लेके जा रहे होंगे, वहां हमारा योग कैडर का वोट अपने आप ट्रांसफर होगा। इसलिए पहले से कमिट करना हमारी खुद की कमजोरी होगी कि हम समझाने में कम पड़ रहे हैं, हम समझा नहीं सकते कि आदमी पहले अपने आप का रिकंस्ट्रक्शन करे, अपने स्वभाव का रिकंस्ट्रक्शन करे, क्योंकि वो तो गुलामी का जीवन जी रहा है। आज भी हमारे अधिकारी बहुत सारे लोग हैं, अभी मूवमेंट में जुड़े हैं, बहुत कुछ अपने आप को उस गुलामी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ निकाल पा रहे हैं, कुछ निकाल करने की कोशिश में लग रहे हैं, वो दरवाजा नहीं खुल रहा, माइंड पूरा ओपन नहीं हो रहा है, कुछ ओपन कर ले जा रहे हैं, वो धारी से ट्रेनिंग कैंप के लिए भी आ जाएंगे। वो बहुत उत्साह के साथ ट्रेनिंग कैंप लेंगे जिन्होंने अपना माइंड ओपन माइंड बना लिया है। अगर जो संकुचित माइंड बना रहेगा वो हिचक में रहेगा कि यार मैं समझाऊं कि नहीं समझाऊं, और जो समझा रहे हैं उनको किसी प्रकार की हिच नहीं है, वो समझा ले जा रहे हैं। आपको समझाने की कमतरता है तो वो अपनी कमतरता को दूर कीजिए, सब्जेक्ट पर ट्रेंड हुई है, अपने आप को सब्जेक्ट का बार बार अभ्यास कीजिए, जितने आपने नोट्स हैं उस नोट्स को एक एक सब्जेक्ट पर, कास्ट पर अलग कीजिएगा, एजुकेशन पर, थिंकिंग स्किल पर, कॉपरेशन पर, आप सभी सब्जेक्ट पर नोट्स तैयार कीजिएगा, क्योंकि हम आपको ज्यादा लिखित लिटरेचर नहीं देना चाहते। जो अपेक्षा करते हैं कि हमें ज्यादा लिटरेचर है, हमने जितना, इसीलिए तो हम महीने 10 महीने क्यों हुए हमको इतना स्लो चलने के लिए, आपको समझाते हुए 5 दिन में एक सब्जेक्ट डायग्नोज करके आपको समझा रहे हैं, ताकि कम से कम आज 1 घंटे 5 घंटे को आप 1 घंटे में डायग्नोज कर सकें। अगर ये टैलेंट नहीं है तो आप समाज के लिए उपयोगी कैसे बनेंगे? 5 घंटे की बात को समझकर 1 घंटे में नहीं समझा पाए, हम आपको इंटेलेक्चुअल क्लास का पार्ट कैसे बना पाएंगे? इंटेलेक्चुअल क्लास का पार्ट बनना है तो आपको ये जवाबदारी, आपको इंटेलिजेंस सिद्ध करना होगा। यू आर द इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट हैं आप, इस चीज की सिद्धता आपको समाज के बीच में जाके करना होगा।
फिर कहीं आप नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस अलायंस के दावेदार भी के हकदार, दावेदार की बातों में तो आपको पूरा राइट की बात कर रहा हूं। और यही लोग जो ट्रेनर बनते जाएंगे, जिस दिन 10,000 ट्रेनर हमारे होंगे इस देश में, 10,000 की अम्बेडकराइट इंटेलिजेंस क्लास इमर्ज होने लगेगी, आप लाखों में बदलते हुए नजर आओगे। ये बहुत सुसुप्त ढंग से हम इस चीज के प्रयास को कर रहे हैं। और जिस पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, इनके पास कोई इंटेलिजेंस क्लास नहीं है, कैसे स्वप्न दिखा रहे हैं राजसत्ता का? नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि जिस पॉलिटिकल पार्टी के पीछे अगर इंटेलिजेंस क्लास नहीं खड़ी है, वो पॉलिटिकल पार्टी कामयाब नहीं हो सकती। क्योंकि मनुवाद के चैलेंज को फेस करने के लिए, जिस तरह से बाबा साहब बार बार हमारे लोगों को बोल रहे थे, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ना दिया होता तो क्या किया होता, वो इंटेलिजेंस क्लास के पार्ट एंड पार्सल बन गए होते। आज जिन लोगों को यहाँ ट्रेनिंग में रहते हुए ये समझ पैदा हुई है, उनके अंदर बहुत बड़ी तड़प पैदा हुई है, जो मैंने ऑब्जर्व किया कि वो अपने एनर्जी, अपना टैलेंट, अपना समय, अपना हुनर, अपना कौशल और अपना इकोनॉमी लगाना चाहते हैं, समाज को समझाने के लिए लगाना चाहते हैं, समाज को तैयार करने में लगाना चाहते हैं। जिस दिन ये भाव पैदा होगा जो हमने आप लोगों के सामने रखा है, जो लोग थोड़े से हिच करते, समझ में नहीं आती कि ये हम पॉलिटिकल पार्टी के बिना कैसे बढ़ेंगे, जिन्होंने इसमें डिवोशन दिया है, काम कर रहे हैं, उन्हें पूरा विजन है पूरा। हमने 5-5 दिन के जब ट्रेनिंग कैंप फिजिकल लिए थे, और अब जो फिजिकल ट्रेनिंग कैंप हमारे सीनियर कैडर भी लेंगे वो, और आप उनसे 5-5 दिन के भी ट्रेनिंग चाहेंगे तो वो आपको 2-5 दिन के भी ट्रेनिंग देंगे। हमारा एक ही ट्रेनर 5 दिन का ट्रेनिंग कैंप लेने वाला बन चुका है। हमारे बीच में इस तरह के लोग हैं कि आप 10 ट्रेनर हमारे पास ऐसे हैं कि 10 लोग लगे 5 दिन के ट्रेनिंग कैंप ले सकते हैं, कैपेबिलिटी है उनके अंदर, क्षमता। और हर प्रकार के जवाब जो पीआर अंबेडकर आंसर दे रहा है, वही आंसर वो लोग भी देंगे। इसलिए ये बात पूरी तरह से निकाल दीजिए कि हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बैसाखी की जरूरत, हम तो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को भी सहयोग देंगे, सही रिलीजियस मूवमेंट होंगे हम उनको भी फोर्सेस को हम ताकत देंगे, जिसमें सिख धर्म का, बौद्ध धर्म का अपना रेडिकलनेस है, अगर वो सही दिशा में जा रहे होंगे तो वहां हमारे लोग अपने आप ही उन्हें ताकत दे रहे होंगे, हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। अमुक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, अमुक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, हमको कहने की जरूरत नहीं है। हम जिस कैडर को तैयार कर रहे, कार्यकर्ता को तैयार करने जा रहे हैं, जो हम अभी लेबर के माध्यम से लेबर को भी ऑर्गेनाइज करेंगे, वो जितनी तेजी से सीखेगा कोई पॉलिटिकल पार्टी उतनी तेजी से हमारे समाज को नहीं सिखा सकती, ना सिखा पाएगी। इसलिए हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपना अटैचमेंट, अलाइनमेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते, ना ही करना चाहिए। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट की ये नीड है, आवश्यकता है, कंडीशन है। आज 2021 में तो किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है, और निकट भविष्य में भी मेरे को अभी कोई संभावना नजर नहीं आती। इसलिए जो लोग, हाँ, जिनको पॉलिटिकल पार्टी में काम करने की इच्छा है, वो जाके कर सकते हैं, हम उनको पूरी तरह से अलाउ करते हैं, पर लेकिन वो यहाँ पर काम नहीं करेंगे, वो केवल पॉलिटिकल पार्टी का ही काम करेंगे। और जो धम का काम करना चाहते हैं वो धम का काम करें, हम पूरी छूट उन्हें देंगे, पर लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी में रहेंगे, धम में रहेंगे, यहाँ पर नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस बींग में रहेंगे, नॉट पॉसिबल। क्योंकि वो हमारा मूवमेंट का जो उद्देश्य है, उसको उद्देश्य करने के लिए 10% भी उनकी उपयोगिता नहीं रहेगी। क्या बोल रहा हूं मैं, 10% भी यूटिलिटी नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों ही फ्रंट पे हमें डिसअपॉइंटमेंट मिला है। दी चमचा एज पुस्तक के लास्ट पेज को पढ़िएगा, महानायक कांशीराम जी ने इस पर डिसअपॉइंटमेंट व्यक्त किया। हमारे महापुरुषों ने जो जो प्रयास किए हैं, उन फ्रंट पे बहुत जगह डिसअपॉइंटमेंट मिला है। इसलिए हमें नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस काम करने दीजिए।
आप अगर इनमें से कोई एक दो आदमी अगर राजनीति में जाना चाहता है जाए, हमारा पर, लेकिन वो फिर यहाँ पर जवाबदारी का कोई काम नहीं कर सकता, जवाबदारी उसे किसी प्रकार की नहीं मिल सकती। सर ये बात मेरे को थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए था। और जैसे जैसे हमारी ये रमेश चंद ने बहुत अच्छी बात की कि नींव पक्की नहीं है हमारी, अरे अभी हम पानी के बुलबुले की तरीके से हैं, हम जमीन पर पौधा जमा रहे हैं। रिवाइव द पीबीएसपी, हमने के रिवाइव का डिक्लेरेशन किया है, ये रिवाइव हो चुकी है, ये तो रिजल्ट जब तक देने वाली नहीं बनती है तब तक इसे हम पूरी तरह से रिवाइवल नहीं कह सकते। फिर इसके सर्वाइवल का प्रश्न भी है, और हमने प्रश्न किया कि कैन वी इम्यूनाइज रिनोवेट रिविटलाइज रिजुबिनेट अम्बेडकरिज्म, क्या हम अम्बेडकरवाद को उतना पौष्टिक प्रतिरक्षक नाविन्यपूर्ण सबल या सबलीकरण के साथ यौवन परिपूर्ण बना सकते हैं, कह सकते हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है, नहीं है कहने की हिम्मत, पर बहुत सारी अपेक्षा भावना प्रदान होकर करना ठीक नहीं। तो साथियों स्टेट के साथियों को जो इंचार्ज हैं उनको अपनी अपनी स्टेट में स्टेट लेवल के प्रोग्राम बनाने की पूरी छूट है। चटावले साहब जिस चीज को हिंट कर रहे थे वो अपनी जगह सही है। आप लोग ये काम करते रहिए, कितने ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं, और जो मुझे आज यहाँ बैठे बैठे सुन रहे हैं, लगभग 60 के आसपास से ज्यादा लोग यहाँ पर बैठे हैं, और 65 के आसपास लोग यहाँ पर जुड़ चुके थे, 5-6 ट्रक हुए, 60 के आसपास जो लोग साथी मुझे सुन रहे हैं, मैं सबसे अपेक्षा करूंगा कि आप लोग खुद ट्रेनिंग लें। अगर मैंने बोला था 2 आदमी को बैठा लिए 10 आदमी को बैठा लिए 50 आदमी को बैठा, अगर 2 आदमी को नहीं बैठा सकोगे आपके टैलेंट के कौशल का काम क्या है, उपयोगिता क्या है, सामाजिक क्षेत्र में आप कट ऑफ हो। अगर समाज से जुड़े हुए तो 2 आदमी को 10 आदमी को बैठा के समझाना शुरू कीजिए, 200 भी काम चलेगा, पर समझाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, आपका कॉन्फिडेंस हो सके। 2 आदमी को समझाने के बाद हम आपको 50 आदमी के ट्रेनिंग कैंप के लिए आप 2 ले आओगे, और जो आपको प्रतिफल हमको दोगे रिएक्शन बताओगे, हम आपकी क्वालिटी इमीडिएटली एक नहीं दूसरे स्टेट में भी हम आपको ट्रेनिंग के लिए भेज सकेंगे। इसलिए आप तैयारी कीजिए। हर किसी की बहुत बड़ी महत्व इम्पोर्टेंस है। मैंने जितने साथियों को देखा है, एक एक आदमी को मैंने यहाँ पे उसको क्वेश्चन करते हुए पार्टिसिपेंट करते हुए मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा है कि ये सारे के सारे ट्रेनर्स की लायकी के हैं। यू आर द क्वालिफाइड फॉर द ट्रेनर, यू कैन टेक द ट्रेनिंग, यू कैन गिव द ट्रेनिंग, आप क्वालिफाइड हो, फक्त न्यूनगंड को निकाल फेंकना है। उत्तर प्रदेश के उदाहरण से आपने देखा होगा, अभी महेंद्र ने महाराष्ट्र में ट्रेन लिया, वो पहली बार हिचक मेरे से कई बार पूछा कैसे, मैंने कि बिंदास आपने किसी प्रकार का हिच नहीं करने का और बिंदास होकर आपके ट्रेनिंग कैंप लेने का, और ज्यादा से ज्यादा केवल जहां मराठी है तो उस मराठी में समझाने की कोशिश कर। देखिए लोकल लैंग्वेज का बहुत बड़ा हाथ, आज उसे कई गुना आत्मविश्वास पैदा हुआ है एक ट्रेनिंग कैंप लेने भर से। 25 लोग थे, 25 लोगों के, और उसमें 5-6 लोगों ने थोड़ा सा प्रयास करके किया, दिगंबर राठौर जी बाबा साहब मोरे वगैरह ने, बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ। और आज मैं कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में ये मराठवाड़ा सबसे अग्रणी बनकर आएगा। ट्रेनर हो सकता है कि पूरे इंडिया को भी ट्रेनर प्रोवाइड कर सके, इतनी कैपेसिटी है केवल मराठवाड़ा रीजन में। महाराष्ट्र के एक मराठवाड़ा रीजन किसी समय बामसेप का पूरा गढ़ हुआ करता था। महानायक कांशीराम जी के समय में जबरदस्त सैक्रिफिशियल पर्सनैलिटी इस एरिया से डेवलप हुई थी, वो कहीं सुसुप्त अवस्था में पड़ी, जगाने भर की थी, बहुत बड़ी ताकत। और जो पहला ट्रेनिंग कैंप लिया और उसका रिजल्ट मिला, उससे मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि ये बहुत बड़ी तेजी से ये इमर्ज होगा। दिगंबर राठौर हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, आप ताजुब करोगे, उन्होंने बोला कि मैं 20 ट्रेनिंग कैंप लेने वाला हूं, ले सकूंगा, पूरा टारगेट फिक्स किया, और जितना टारगेट फिक्स करते हैं 1% की कमतरता नहीं।
इतना कमिटेड है वो अपने सेंटेंस, वो 30 बोलते हैं तो 20 से 21 होंगे, 19 नहीं होंगे। मैं कोई कमिटमेंट है उनको विश्वास नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आदमी की पार्की बता रहा हूँ कि हाँ पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का मीनिंग क्या है, जो उन कितनी तरीके से समझा। क्योंकि हम बहुत जल्दी मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्राम बनना चाहते हैं, ये हमारी चाहत है। चाहत अगर आप सब लोगों की इसके साथ जुड़ जाए और सच्ची चाहत बन जाए तो हम कामयाब हो जाते हैं, कामयाब होंगे। और तमाम संगठन आप ओपन माइंड रखिएगा, तमाम संगठन आपके साथ जुड़ेंगे, कार्यकर्ता जुड़ेंगे, पहले इक्का दुक्का का संगठन के संगठन भी आपके साथ। मैं अभी से भविष्यवाणी बोल रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, जमीन से जुड़ी बात कर रहा हूँ, और आने वाले समय में आप खुद देखोगे। क्योंकि इस पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में एक विजन है, बहुत बड़ा विजन है, और इसका मिशन बहुत स्पष्ट है। डेडिकेटेड एक्टिविस्ट तैयार हो रहे हैं, किसी प्रकार की लोभ लालच इनके बीच में हमने पैदा नहीं की। मॉरल पर्सनैलिटी डेवलप हुई है, जिनके अंदर कुछ कमतरताएं होंगी वो इस मोमेंट में रगड़ रगड़ के मॉरल बनते हैं, बहुत जल्दी कमतरता है। देखो, बुरे आदमी से अच्छा आदमी बनना ये बेहतर है, और लेकिन बुरे अच्छा आदमी से बुरा आदमी घटिया बनते जाना इसे कोई अच्छा नहीं कहे। इसलिए हमारे को कमतरताएं हैं, हम उसके अलावा गिला शिकवा नहीं करना चाहिए। वो दूर कैसे हो सकती हैं, हमारी शॉर्ट कमिंग दूर कैसे हो सकती हैं, इस पर एक दूसरे की आलोचना नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको सहकार अनुकंपा करना चाहिए, करुणा प्रेम मैत्री कि यार मैं इसको थोड़ा सा सहकार दिया होता तो इसके अंदर की ये कमतरता दूर हो गई होती, मैं इसे ऐसा साथ दिया होता या मैं इसे ऐसा मेरे को बातचीत हो गई होती तो इसकी कमतरता मैं दूर कर लेता, अच्छा आदमी बन जाता, मूवमेंट के लिए बहुत उपयोगी। इस प्रकार का हम तो बहुत ही जिनको संस्कृति के तौर से बहुत गिरा दिया, सब प्रकार के विकार हमारे अंदर, हमारे समाज को क्रिमिनल टाइप बढ़ाए। जब क्रिमिनल बोलोगे तो हम पर अत्याचार करोगे तो हमको क्रिमिनल होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? क्रिमिनल टाइप कहके हम पर अगर गोलियां झाड़ोगे, हमको मतलब अत्याचार करोगे, तो क्या हम अपना बचाव करने के लिए आत्मरक्षा नहीं करेंगे? ऐसे ना जाने कितने समाजों को अंग्रेजों के समय में और आज के समय में अनदेखा किया जा रहा है, हमें वो अनदेखा नहीं करना। हमारे बीच में हमारे मुंशीराम चटाली साहब, पिछली बार उन्होंने मेरे को कंप्लेन की, मैंने कि नहीं, मैं वाल्मीकि समाज की खुद ही एक मीटिंग लेने के लिए आना चाहता हूं और मैं उनमें एज ए वाल्मीकि बात करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे वाल्मीकि मानना चाहिए, मैं वाल्मीकि बन होकर उनके बीच में जाना चाहता हूं। कितना बड़ा स्वाभिमान होगा उनको, क्या अम्बेडकर साहब हमारे साथ बरोबर से? अगर मैं उनको अपने से मैं उनसे अपने आप को बड़ा मानूंगा तो जुड़ेंगे क्या? चाहे कोई बड़ी जाति हो या छोटी जाति हो, आपस में व्यवहार बरोबर का करना सीखना, 60 साल का हो या 40 साल का, एक दूसरे के प्रति कम से कम बरोबर का सलीखा तो करना सीखना होगा। एज को तो रिस्पेक्ट करते हैं, टैलेंट को रिस्पेक्ट भी कीजिए, एक्सपीरियंस को भी रिस्पेक्ट कीजिए। वो आपके एक्सपीरियंस को रिस्पेक्ट करते हैं तो टैलेंट को रिस्पेक्ट, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे तो हमारे अंदर की एबिलिटी टू कॉपरेट इमर्ज होना शुरू हो जाएगी, जो हजारों वर्षों से दबा रखी है। सोचने वाली बात तो अलग है, एबिलिटी टू कॉपरेट ये हमारी सबसे बड़ी चीज है। जिस दिन हम ये आपस में, हमारे ट्रेनर्स आपस में एक दूसरे से अपनी कमतरताओं को पूछने वाले बन जाए। अभी मैं थोड़े से उदाहरण देता हूँ, हमारे अच्छे सीनियर ट्रेनर थे, बहुत भाग प्रभावित थे, बलिराम राठौर जी। अगर वो बातचीत करने के लिए अशोक राठौर के साथ बात करेंगे खुल के अपनापन के साथ, कितना स्वाभिमान होगा? मोहन चौहान साहब के साथ अगर वो अपने आपस में अगर चार बंजारे एक दूसरे के साथ खुलकर और बिना अपना स्टेटस को पोजीशन को बताए आपस में समाज की बात को खुले मन से डिस्कस करेंगे, कितनी आपुलकी पैदा होगी, कितना अपनापन पैदा होगा। अरे यह कॉपरेशन ही आपुलकी और अपनापन पैदा करता है, जहां कॉपरेशन नहीं होगा वहां अपनापन आपुलकी नहीं पैदा होगा। भाईचारे का इंस्टिंक्ट है आपुलकी, एफिनिटी जो फ्रेटर्निटी के अंदर छिपी हुई है।
अगर फैटर्निटी में एफिनिटी नहीं होगी तो वो फैटर्निटी नहीं टिकती है। फैटर्निटी के स्थायित्व के लिए जरूरी है एफिनिटी हो। इसलिए एक बात थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट इज ए प्रोसेस, पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम इज आल्सो ए प्रोसेस। हमने इसे संगठन का नाम नहीं दिया, ये प्रोसेस है, मूवमेंट है। और मूवमेंट में कहीं कुछ लोग जुड़ते हैं और कम निकलते भी, पर प्रक्रिया ऐसी होना चाहिए कि एक दो आदमी अगर टूटते हैं तो उसके दस आदमी, दो टूटते हैं तो बीस जुड़, एक टूटता है तो दस जुड़। एक कांशीराम जी का आप इस प्रक्रिया से चलोगे और इस प्रकार से जोड़ने के, एक भी साथी किस तरह से ना कंफ्यूजन होकर चला गया है, कंफ्यूज क्योंकि इसमें कंफ्यूजन तो किसी प्रकार का हम रखते नहीं है, हम ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी को विश्वास करते हैं। और तो आप ताजुब करोगे कि महानायक कांशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग का अनदर नेम इज ए इंस्टीट्यूट ऑफ सिंप्लिसिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ सिंप्लिसिटी महानायक कांशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग का हम आइडेंटिफाई इस प्रकार से। हम जितनी कठिन से कठिन सब्जेक्ट को बहुत सरलीकरण आप लोगों के करके लाया, इसलिए मैं डॉक्टर किरत बाला ने रमाबाई अंबेडकर के इंटरनेशनल लेवल के कुछ लोगों ने जयंती मनाई, आप ताजुब को होगा आप शायद उस दिन नहीं थी, हमने भी रमाबाई अंबेडकर की जयंती मनाई और आदर व्यक्त किया। और लेकिन सावित्रीबाई फुले जैसे अचानक ही प्रोग्राम हम देने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि हम अभी ट्रेनिंग की स्थिति, ये प्रक्रिया प्रोसेस का भाग है। समय आएंगे, ऐसे मौके आएंगे, हम हर महापुरुष को रिकॉग्नाइज करेंगे। हमारे लिए सभी महापुरुष बहुत बड़ी प्रेरणा के स्रोत, बहुत 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 बड़ी प्रेरणा के स्रोत, हम सबसे प्रेरणा लेना चाहिए। तो हम आने वाले समय में सभी महापुरुषों को जैसे ही ये मूवमेंट अपनी युवा अवस्था को पार करता है, ये खास तौर से किशोर अवस्था को पार करता है, आप देखिएगा कि हमारे सैकड़ों महापुरुषों की जयंती हम साझी करते हुए, मैं केवल अभी केवल हिंट दे रहा हूं, सैकड़ों महापुरुषों की जयंती हमारे लोग सादर करते आएंगे और नेशनल लेवल पर सादर कर रहे हैं। अभी हमें इस मोमेंट को संजोड़ना है समान, और अभी हम तो कहीं दुश्मन को ललकारने की स्थिति में भी नहीं, हम तो अभी अपने समाज को जागृत करने की स्थिति में, और बहुत ही शालीनता के साथ हम पांच विषयों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बरसों से प्रक्रिया कमजोर हो गई थी, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, इनफेक्टिव हो गई थी, और यहां तक प्रश्न पैदा हो गया था जो लोग पॉलिटिकल और रिलीजियस और दूसरे प्रश्नों को करते हैं, क्या अंबेडकरवाद कामयाब होने वाली विचारधारा है। मैं देखिए कितना फंडामेंटल क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या अंबेडकरवाद कामयाब होने वाली विचारधारा है। हम इस विश्वास को जमीन पर उतारना चाहते हैं कि ये ही एक विचारधारा है जो कामयाब होगी और ड्यूरेबल होगी और भारत का भविष्य होगी, यही विचारधारा भारत का भविष्य होगी। और इसके आधार पर निकली हुई जितनी धाराएं अपने अपने तरीके से प्रफुल्लित हो रही होंगी, फलफूल हो रही, हमें इस देश के अंदर अंबेडकरवाद की वो गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करने वाली ताकत, इंडिपेंडेंट होकर, स्वावलंबी होकर, स्वाभिमानी होकर इस देश में वो जड़ें मजबूत करने वाली ताकत बने, उसमें हर व्यक्ति की मान्यता रहे, एक लीडर की मान्यता नहीं, हर व्यक्ति हमारा लीडर होगा, हर व्यक्ति की मान्यता होगी, क्योंकि वो सैक्रिफाइस देकर जुड़ा है। और मैं तो अभी 5 साल के लिए आप लोगों को कटिबद्ध होने के लिए बोला, लेट अस कमिट फॉर 5 ईयर्स, आज से करेंगे तो एक एक घंटे हमारे लिए कमिटमेंट का भाव होता है, हम एक दिन को लूज करते हैं वो हमारे लाइफ का एक दिन का लूज कम हो जाता है, हम एक एक दिन को कमिटमेंट के साथ जोड़ें, एक एक घंटे को कमिटमेंट के साथ जोड़ें,
हम कामयाब होंगे। आज हमने बहुत बड़ी सहूलियतें पैदा हो गई, आपको विचारधारा से लैस किया, ट्रेनिंग के लिए हमने आपको प्रोत्साहित किया, और आप देखोगे एक उदाहरण में केवल अपने बीच में सबसे यंग ट्रेनर महेंद्र थोरात, और उसको प्रयोग के रूप में हमने भेजा कि तुम जाके ट्रेनिंग लीजिए। बॉम्बे से भीड़ गया 600-700 किलोमीटर दूर पर, वहां ट्रेनिंग लेकर वो खुद उत्साहित है। अभी मैं आपसे यह कह रहा हूं, राजा राम आनंद जी जो भी ट्रेनिंग देने जाएंगे पूरे समाज पार्टिसिपेंट को उत्साहित करें, बहुत बड़ी ताकत है। अब मैं लेमेन की बात करता हूं, हमारे बीच में साधारण साधा जो अभी हमारे बीच से जुड़े, अशोक राठौड़ जो एक घंटे का लेक्चर देने के लिए घबराते, दो घंटे का लेक्चर देने के लिए घबराते, मैं लेक्चर नहीं ले सकता, बात किया मैंने, तब हमको मोहन चौहान जी को भेजना पड़ा। आप देखेंगे कि अशोक राठौड़ एक दिन का बेहतरीन ट्रेनर लेने में सक्षम है और सक्षमता दिखाएंगे। यह कमिटमेंट टू द मूवमेंट। साधारण से साधारण हमारे बहुत सारे, एक नाथ राठौड़ जी भाई वो क्यों ना ट्रेनिंग ले, किसी को ट्रेनिंग लेने से रोकना नहीं। जो हमारे क्वालिफाइड ट्रेनर हैं वो क्वालिफाइड थे, हम आपके बीच में 50-60 एक क्वालिफाइड ट्रेनर किए हैं, क्योंकि हमने क्वालिफाइड ट्रेनर के रूप में ही तो आपको मान्यता दी, आप जाके ट्रेनिंग कैंप लीजिए। इसलिए आप अपने अंदर के न्यूनगंड को, खास तौर से इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को निकाल दीजिए। यू आर मोर कॉम्पिटेंट। स्कूल में बच्चा 70-80% मार्क लाता है, फिर भी वो हिचकता है, कॉलेज का मेरिट में आया हुआ विद्यार्थी भी हिचकता है, यही हमारे ट्रेनर्स के बीच में ये हिचक है। आप क्वालिफाइड हो, जाइए और ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग दीजिए। इस लिहाज से हम अगले हफ्ते जब मिलेंगे तो आप लोग अपने अपने एरिया में कमिट करके आ रहे होंगे कि हमारे ट्रेनिंग कैंप लग रहे हैं। और मैंने बीच में 2 या 3-4 मीटिंग मैंने पर्सनल किसरे से की, क्योंकि हमने केवल एक दिन आप लोगों को बुलाया है, 7 दिन आप लोगों के, 6 दिन आप लोग अपने लिए फुल डे, इवन संडे सैटरडे भी आप लोगों को हमने खुला छोड़ा है। संडे सैटरडे इसलिए हमने दिया है आप लोगों को ट्रेनर्स के लिए, बीच में हमने गुरुवार को क्यों रखा कि 3 दिन इधर 3 दिन उधर, आप अच्छी तरीके से तैयारी करें, लोगों से संपर्क कर सकें और ट्रेनिंग। निकल पड़िए घर से, आप 2 दिन में 4 दिन में 10 लोगों से मिलिएगा, और एक दिन के लिए 10 घंटे के लिए इकट्ठे बुलाइए, 5 घंटे के लिए इकट्ठे बुलाइए, बरोबर आएंगे। यार अशोक राठौड़ आए हुए थे, बुलाया था, चलो चलते हैं। अरे कहाँ जा रहे? अरे अशोक राठौड़ ने बुलाया था, मैं जा, वो भी एक दूसरे को साथ में ले ले, ये हवा बनने दीजिए, और आप देखेंगे कि ये बात का रोल बहुत बड़ा। ये बातें मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल की हैं, मैं आपसे प्रैक्टिकल नहीं करा रहा हूं, मैं खुद प्रैक्टिकल व्यक्ति रहा हूं, मैं एक काम करता रहा हूं, इसलिए मुझे आत्मविश्वास है कि इसमें बहुत बड़ी ताकत है, आप कर सकते हैं। इसलिए इतनी बात को समझ के कि आप लोगों ने मुझे गहराई से सुना होगा, मेरे मन को, मेरी तमन्ना को, मेरी चाहत को भी आपने जाना होगा, मैं आप लोगों से बेहद प्यार करता हूं, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। आज मैं आप लोगों के सामने खुलकर कह रहा हूं कि मैं PBSP के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सभी ट्रेनर्स को बहुत ही बेहतरीन प्यार करता हूं। आप लोगों के लिए ही ये मेरा जीवन है। अगर आप इस जीवन की उपयुक्तता को सार्थक कर सकते हो तो कीजिए, यह आंसर आपको देना है, उत्तर आपको देना है, क्योंकि ये मोमेंट, ये पवित्र मोमेंट, ना जाने कि इस बीमारी से कमजोर हो गया, अभी होश संभाला है हमने, आप सब ने, तो इसे अब कमजोर नहीं होने दीजिए, चल पड़िए, निकल पड़िए, यही वक्त का तकाजा है और यही महापुरुषों की आवाज भी। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग अपने काम को लगेंगे, दिलो दिमाग से आप लगेंगे, हम आपको
जिस किसी ट्रेनर की पर्सनल कोई डिफिकल्टी आ रही हो, स्टेट कन्वीनर से तो बात करें, अमर सिंह और श्याम सुंदर जी से वो डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ये दोनों चेयरमैन और को चेयरमैन हैं। हमारे और भी जो ट्रेनर्स हैं इसमें राजा राम, श्याम सुंदर, नार सिंह, सुरेश गमरे, अमर सिंह और मैंने थोड़ा, इसके अलावा दिगंबर राठौड़ और राजेंद्र दारोड़े, इसके साथ साथ और भी बोल रहा हूँ, पंजाब से सोहन सिंह हमारे सुपर इंजीनियर, सुंदरपाल सिंह जी मेरठ से, आप इनसे भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इनसे भी मैंने एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया, कितने 8-10 लोगों से ज्यादा मैंने आप लोगों को मैंने नाम गिना दिए, जो जिसके संपर्क में हो उनसे अपनी तकलीफ को दूर कर सकता, मेरे से बोलने में समय, मेरा समय बचाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो इन लोगों से आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं कि इस पॉइंट को मैं किस प्रकार से रखूं, या उनसे ही प्रश्न कर लीजिए कि ये प्रश्न इसने किया है मैं इसका क्या उत्तर दूं, तो आपको निकट में ही आपके प्रश्नों के उत्तर आप समर्थ बने दे सकोगे और कैडर कैंप कामयाब बना सकोगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग टाइम से आए, रोजाना ठीक 7 बजे आप यहाँ पर पहुंचिएगा, रोजाना नहीं, गुरुवार के गुरुवार, क्योंकि रोजाना आने की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग हमारे ऑपरेशन की मीटिंग चालू है, उनका अलग अलग काम है। हम इन नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास की बनाने की तरफ बहुत कारगर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आप धैर्य के साथ, आपको जो जवाबदारी ट्रेनिंग की दी है ट्रेनर की, क्योंकि ये सारे के सारे इंटेलिजेंस क्लास आप पर डिपेंड है, आपके द्वारा आपको इतना बल मिलेगा इससे, जो कहते आपको पाठबल क्या है, नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास एक पॉलिटिकल फोर्स से, इकोनॉमिक फोर्स से भी बड़ी फोर्स आपके साथ खड़ी होगी। क्या बोल रहा हूं, पॉलिटिकल फोर्स, इकोनॉमिकल फोर्स से भी बड़ी फोर्स आपके नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस आपके पाठबल बना होगा, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पे विराम लेना चाहूंगा, थैंक यू वेरी मच, जय भीम, जय भारत। कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हो, 2 मिनट। सर वन डे का थोड़ा सिलेबस दे दिया तो जरा अच्छा रहेगा पढ़ाने को, एक सिलेबस वन डे का थोड़ा डिजाइन चाहिए जो कि हम उस बात उस तरह से बात करें वो जरा अच्छा रहेगा, नहीं तो हम इधर उधर भटकते रहेंगे तो पूरा यानी